बताइए क्या दिया है क्वेश्चन में। हाँ देखो, टॉर्क निकालना है, फोर्स दिया है, अबाउट ओरिजिन, इफ पार्टिकल इज एट आई माइनस जे प्लस के। सो ये अगर हमारा ओरिजिन है, ठीक है, सो ओरिजिन से जो पार्टिकल की पोजीशन है, इट इज गिवन बाय आर बार, और आर बार पोजीशन वेक्टर है आई माइनस जे प्लस के, और यहां पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। कितना फोर्स है? तो फोर्स है 7i + 3j - 5k, और अब आपको पूछा है फाइंड टॉर्क। बताइए क्या कर सकते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज़ ये क्रॉस प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली, बेसिकली पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। व्हाट इज टॉर्क? आर क्रॉस एफ, ठीक है, जहां पर आर है आई माइनस जे प्लस के और एफ है 7i + 3j - 5k, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई जे के, 1 - 1 1, 7 3 - 5, बस। क्या इसे सॉल्व करना आता है हमें? बहुत दिनों के बाद क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? आई इन टू आई की रो और आई की कॉलम छोड़ के जो कुछ भी उनका प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही है। सो माइनस वन इंटू माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू वन थ्री माइनस जे, जे के साथ कौन रहेगा? वन इंटू माइनस फाइव सेवन इंटू वन। तो जे का कॉलम, जे की रोड छोड़ दो, जो बचेंगे वो अपने काम के है, ठीक है। क्या आ जाएगा ये? वन इंटू माइनस फाइव माइनस क्या रहेगा? माइनस 7 into 1 + k, k के साथ क्या रहेगा? k का कॉलम, k का रो छोड़ दो, 1 into 3 - -1 into 7, सही है। देख लो यार ये क्या होता है, -1 into -5 5 5 - 3, सो 5 - 3 is 2, दिस इज 2i, -5 - 7 - 12 - 1 - (+12) 3 into 1 3 - -7 3 + 7 10, सो टॉर्क इक्वल टू 2i + 12j + 10k, सही है क्या? अगर मैग्नीट्यूड पूछा रहता तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है? आ जाएगा? यस सर।
चलो जाए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट अल्फा फॉर अ व्हील इफ एमआई इज 20 केजी मीटर स्क्वेयर एंड टॉर्क इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। क्या निकालना है? अल्फा क्या दिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू है 20 केजी मीटर स्क्वायर एंड टॉर्क कितना दिया है 10 न्यूटन मीटर। अल्फा के बारे में पूछा है। इनको जोड़ने वाला कोई रिलेशन पता है? यस सर। यस सर। क्या रिलेशन है? टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा। therefore अल्फा इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 20, अल्फा 0.5। अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया खत्म। सही है सर? क्या ये इतना आसान होता है? हाँ ये इतना ही आसान होता है। ठीक है चलो। बीच में हमने एक सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन किया था, शायद से मैंने होमवर्क करके दिया था। हमने डिस्कस किया क्या बाद में? नो सर। हाँ चलो उसको कर लेते हैं। क्या प्रश्न होता? ऐसा कोई एक स्क्वायर था सही है ना? सभी का मास कितना है m और साइड कितनी है a और फिर पूछा क्या था? चलो बताओ जल्दी जल्दी। पहला पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। सही है? चलो बताओ कितना आएगा? ऐसा एक्सिस है इसके सेंटर से जाने वाला और इसके प्लेन को परपेंडिकुलर। चलो बताओ जल्दी। देखो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है तो ये सभी डिस्टेंसेज जो है ये एक्सिस से परपेंडिकुलर ही रहेगी।
बताइए कितना आएगा ये डिस्टेंस? रूट टू ए। पक्का? पक्का। या ए बाय रूट टू? ए बाय रूट टू। ए बाय रूट टू। रूट टू ये पूरा डायगोनल रहेगा, ठीक है? एक्सिस से डिस्टेंस देखो, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो डायगोनल रहेगा रूट टू टाइम से, पर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से मास का, दिस विल बी ए बाय रूट टू, ठीक है? देखो ये डायग्राम को अगर सामने से देखते हैं तो ये ऐसी है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो डायगोनल रूट टू टाइम्स ए रहेगा, डायगोनल, और उसका आधा पार्ट रूट टू ए बाय टू, इट इज ए बाय रूट टू, ठीक है? चलो फिर निकाल लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आने वाला है, एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू का स्क्वेयर प्लस एम थ्री आर थ्री का स्क्वेयर एम थ्री आर थ्री का स्क्वेयर प्लस एम फोर आर फोर का स्क्वेयर, क्या आ जाएगा? एम इंटू ए बाय रूट टू का स्क्वेयर। और क्या सभी का डिस्टेंस और मास सेम है क्या? तो इंटू फोर कर देते हैं, सही है? इंटू फोर क्यों किया? क्योंकि सभी का मास एम है और सभी का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, ठीक है? अगर ये अलग अलग आता तो मैं अलग अलग लिखता, पर अभी वैसा लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आ जाएगा एम ए स्क्वेयर अपॉन टू इंटू फोर, दैट इज टू टाइम्स एम ए स्क्वेयर। क्या आया था? क्रॉस चेक कर लो। चलो दूसरे कौन से एक्सिस के बारे में पूछा था? अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर and passing through and in plane of plate, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है, इस डिस्क के प्लेन में है और सेंटर से जा रहा है। चलो बताओ फटाक से, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? अब देखो R1 डिस्टेंस ये बन जाएगा, ये R2, ये R3, ये R4, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस एम फोर आर फोर का स्क्वायर। क्या सभी का मास एम 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 है और आर वन आर टू आर थ्री आर फोर ये डिस्टेंसेस आपको पता है कितने हैं? सर ये परपेंडिकुलर थ्योरम से आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा? क्यों ऐसे नहीं आएगा? परपेंडिकुलर थ्योरम से आप करके देखो, वो भी उतना ही आएगा। बेसिक डेफिनेशन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? बेसिक डेफिनेशन क्या है? वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए मास एक्सिस के पास। तो देखो अगर ये मेरी स्क्वायर प्लेट है, ये एक्सिस है, तो क्या ये सभी पार्टिकल यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रहेंगे क्या?
हाँ तो वही तो यहाँ पर है, ये ऐसा घूमने वाला है। सही है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? तो सभी मासेस सेम, सभी डिस्टेंसेस सेम, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखूं यहां पर? फोर टाइम्स मास इनटू डिस्टेंस है ए बाय टू का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? एम ए स्क्वायर बाय फोर इंटू फोर, दैट इज एम इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जैसे इसके पहले कहा, क्या सर ये परपेंडिकुलर एक्सिस से आएगा क्या? देख लो ये परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है, क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई एक्स इक्वल टू आई वाई है क्या? ये दोनों एक्सिस के प्रति आई एक्स और आई वाई के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है? हाँ सर, बॉडी तो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक म्हणजे काय? तो देखो अगर आई एक्स के अबाउट मैंने बॉडी का कट किया और आई वाई के अबाउट बॉडी को कट किया, तो दोनों साइड में जो पार्ट बच रहे हैं क्या वो सिमेट्रिकल है, सेम डिस्टेंस पर है? हाँ, आई जेड बाय टू ये आया है क्या? आई जेड हाँ पहले ही निकला, टू एम ए स्क्वेयर अपॉन टू, दैट इज एम ए स्क्वेयर। किसी भी रास्ते से जाओ आंसर वही आने वाला है। ठीक है, सो सर फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस कब यूज करना? जस्ट जब इस प्रकार की आईजेड वाली कंडीशन पता हो और दूसरे के अबाउट नहीं निकाल सकते हैं तो उसको यूज करना। चलो तीसरा कौन सा बताया? हाँ बोलो सर, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट नहीं है क्या? नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट है। बघा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट ही अशी असेल। बघा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट म्हणजे काय? तर आपका टोस्ट खाते हो ना, या पार्ले जी का बिस्किट, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा अपन मान सकते हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ये इस प्रकार का शेप है ना, ये छोटे बच्चों के मेकेनो में होते हैं, ये इस टाइप का कुछ शेप है। तो इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट नहीं कहेंगे। दीज आर फोर पॉइंट मासेस कनेक्टेड बाय मासलेस रॉड। हाँ अब आप मुझे पूछोगे सर क्या ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है क्या? तो आप ही देखकर मुझे बताओ क्या ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है। अगर ये एक्सिस इस प्रकार से रहेगा तो क्या ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अबाउट? हाँ सर ये सिमेट्रिक है। ठीक है, पर क्या सर दोनों में डिफरेंस है? हाँ दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है तो एम आई में डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये था एक लक्ष्य। यस सर। हाँ
कर दूं क्लियर? ऐसा पूछना चाहिए हाँ। चलो तीसरा किसके बारे में बताया था बताओ जल्दी, तीसरा एक्सिस कौन सा था? Along the diagonal. About an axis and along the diagonal. ये तीसरा था? Yes, sir. About in the plane of axis and along diagonal. Okay. Along the diagonal. Into the plane of plate. बराबर सही है? मतलब ये ऐसी कंडीशन आ गई, सही है? और यहां पर ये मासेस है, बताइए कितना आएगा एम आई? देखो ये M1, M2, M3, M4, इसमें से क्या M2 और M4 ये एक्सिस के ऊपर ही सिचुएटेड है क्या? हाँ सर। और उनका डिस्टेंस एक्सिस से जीरो, सिर्फ जो कुछ भी डिस्टेंस है वो इनका बचा हुआ है। तो एम आई क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम वन इंटू आर वन का स्क्वायर प्लस एम टू इंटू आर टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री इंटू आर थ्री का स्क्वायर प्लस एम फोर इंटू आर फोर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एम वन का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? a by root 2 का स्क्वायर। m2 का डिस्टेंस m2 का डिस्टेंस कितना है? m3 का डिस्टेंस कितना है? m4 का डिस्टेंस कितना है? ये आने वाला है ma स्क्वायर बाय 2 प्लस एम ए स्क्वेयर बाई टू, आंसर आ जाएगा एम ए स्क्वेयर। दूसरा एक्सिस कौन सा कहा है? इसके आगे कितनी केसेस थी? इसके आगे कौन सी? About axis perpendicular to plane passing there one of the vertex. Okay, axis perpendicular to plane passing through one of the vertex. मतलब ये ऐसी कंडीशन होगी। ऐसा एक्सिस है M1, M2, M3, M4 आई इक्वल टू डायरेक्टली लिखू क्या? M इंटू a का स्क्वायर, m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस m इंटू a का स्क्वायर प्लस m इंटू
रूट टू ए का स्क्वायर चलेगा? यस सर। देखो दिस इज एम वन आर वन स्क्वायर, एम वन ये डिस्टेंस आर वन मतलब ए है, एम इंटू जीरो का स्क्वायर बिकॉज एम टू इज सिचुएटेड ऑन एक्सिस, एम थ्री एम है और ये डिस्टेंस है ए, और एम फोर ये है और डिस्टेंस होगा डायगोनल इतना। सो कितना आ गया देखो, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर रूट टू ए का स्क्वायर टू टाइम्स ए स्क्वायर, सो टू एम ए स्क्वायर, तो ये सब मिला देंगे तो फोर एम ए स्क्वायर आ जाएगा। पांचवी केस क्या थी? बोलो अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू साइड, ऐसा कुछ तो देखो यहां पर आ जाएगा आई इक्वल टू एम इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस एम इंटू ए का स्क्वायर प्लस एम इंटू ए का स्क्वायर प्लस एम इंटू जीरो का स्क्वायर। M1 is on axis, so M into 0 का square. M2 का distance है A, so M into A का square. M3 का distance है A, so M into A का square. M4 is again on axis. So answer आ जाएगा 2MA square. ठीक है, क्या निकाल पाएंगे अभी ऐसे सब? कुछ भी पूछा तो? Yes sir. निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या डायग्राम निकालना जरूरी है? उसके सिवा नहीं ध्यान में आएगा ना कौन कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है? इसलिए डायग्राम निकाल लेना, बहुत आसानी जाएगी। ठीक है चलो, देखो क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, एंड मास एम सर्क्यूलर होल ऑफ डाया आर इज कट, कैलक्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू डिस्क अबाउट सेंटर। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है देखो, ये कोई डिस्क है जिसकी रेडियस आर है। अब इसमें से कोई तो एक डिस्क है जिसका डायमीटर आर है, उसे कट किया गया और अब आपको कहा है इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। निकाल पाएंगे क्या? तो देखो ये लार्जर डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ सॉरी इसका मास है एम, रेडियस है आर। ठीक है, ये जो छोटी डिस्क है उसका मास है, इसका मास नहीं दिया है यहां पर, आपको डायरेक्टली कहा कि इसका डायमीटर आर है। सो अभी नए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर निकाल लो।
चलो कौन बताएगा? देखो देखो हाँ, हम क्या कहते हैं, लार्जर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? mr² by 2। एक कागज पर ये सभी mi लिख लो, आने वाले एक दो दिन अपने साथ में रख लेकर बैठना, ठीक है। अब देखो छोटे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा क्या? यस सर। कितना आएगा? mr² by 8। कैसे आएगा? उसका डायमीटर दिया है तो रेडियस r/2। ओके, और फिर उसी फॉर्मूले में पुट करके आ जाएगा। ओके, mi ऑफ स्मॉलर डिस्क इज m, इसकी रेडियस हो जाएगी r/2 का स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ रहा है ये? mr² 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ये गलत है। कौन बताएगा क्यों गलत है? मैं बता दूं गड़बड़ कहां पर है। क्या ये सही में एम है? क्या ये मास एम है छोटे डिस्क का? बड़े डिस्क का मास भी एम है और छोटे डिस्क का भी मास उतना ही है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसलिए यहां पर गड़बड़ है। सो एक्चुअली आपने यहां पर लिखना चाहिए दिस मास इज स्मॉल m। क्या स्मॉल m की वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्या? देखो हाँ, यस सर, मिलेगी। कैसे मिलेगी? एरियल मास डेंसिटी से। बिल्कुल, मास पर यूनिट एरिया विल बी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर फॉर स्मॉलर डिस्क एम इक्वल टू उसका एरिया कितना आएगा? पहले तो लिख लेता हूं मास पर यूनिट एरिया इनटू उसका एरिया पाई r/2 का स्क्वायर, दैट इज पाई r² / 4। सही है? यस सर। ठीक है, सो पाई r² कैंसिल, ये बन जाएगा m/4। ठीक है, इसलिए mi ऑफ स्मॉलर डिस्क विल बी कैपिटल m/4 इंटू r² / 4/2, दैट इज mr² / कितना आ जाएगा? फोर फोर जा 16, 2 जा 32। ये कौन सा एक्सिस के अबाउट है? mr² / 2 किसके अबाउट होता है? किसके अबाउट होता है? अबाउट एक्सिस थ्रू एक्सिस, अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क। ये छोटे डिस्क का जो सेंटर है उसके अबाउट का ये mi है। आया क्या ध्यान में? आला का लक्षात? ओके, अगर ये ध्यान में आ गया तो आपको सवाल में पूछा क्या है?
MI of new disk about axis through center. मतलब ये जो ब्लैक वाला एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट नया MI चाहिए हमें. सही है. सही है क्या? लगे तो ऐसा करता हूं मैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसे I2 कहता हूं, इसे I1 कहता हूं. बड़े डिस्क को इतना पार्ट ध्यान में आया क्या बताओ मुझे? हमें शुरुआत में डायरेक्ट ये बड़ी डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फॉर्मूला ही पता है, mr स्क्वायर बाय 2 लिख लिया. फिर अब कहा ये जो छोटी डिस्क कट की है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, तो ये इस डिस्क का मास इनटू इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा. इसका मास रहेगा छोटा m, इसकी रेडियस है r बाय 2, तो r बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2 छोटा m. इस डिस्क का मास कैसे निकाला? तो ये डिस्क यूनिफॉर्म है, सो ये कैपिटल m मास रहेगा पूरे एरिया का. सो मास पर यूनिट लिख लिया m अपॉन पाई r स्क्वायर. फिर इसको छोटे डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई किया तो छोटे डिस्क का मास आ गया, वो वैल्यू पुट की, अब ये I2 आ गया. अब ये I2 है अबाउट इस छोटे डिस्क का एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. आपको पूछा है MI अबाउट दिस ब्लैक वाला एक्सिस, सो क्या यहाँ पर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगा सकते हैं? Therefore, MI of smaller disk about axis through center of larger disk will be कौन सा theorem लगाएंगे? I2 C, I2 about C, ये C है, ये आने वाला है moment of inertia about axis passing through center which is mr square by 2 that is I2 plus उसका mass into उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. उनके बीच का डिस्टेंस है r by 2 उसका स्क्वायर. सो I2 की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 32, इसका मास है m by 4, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर r by 2 का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर अपॉन 4. 4 4 इज 16, ये प्लस साइन चाहिए सॉरी. mr square by 16 that is 2 mr square upon 32, so total aa jayega 3 mr square upon 32. ye moment of inertia aa gaya ye chote se disk ka about axis through center of larger disk. but ab interesting cheez ho gayi, kya is part ko add kiya hai ya cut kiya hai? ये छोटी डिस्क इस पर ऐड हुई है या कट हुई है? कट हुई है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पहले वाले बड़े डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा? सब्सट्रैक्ट. सब्सट्रैक्ट होगा. ठीक है. देयरफॉर न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be inertia of original disk which is I1 minus ये नई disk जो cut की है उसका moment of inertia, ये नई disk जो cut की है उसका moment of inertia about same axis, so that is minus I2C. यह आ जाएगा mr square by 2 minus 3 mr square
upon 32. So 16 minus 3 will be 13. 16 क्यों ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई किया तो इसका डिनोमिनेटर भी 32 हो जाएगा. 16 mr square minus 3 mr square 13 mr square upon 32. क्या सही है क्या? आया क्या ध्यान में? माइनस किया सर, माइनस इसलिए किया क्योंकि कट किया है. अगर यहाँ पर कोई ऐड होता तो फिर हमें यहाँ पर प्लस साइन रखना पड़ता. मतलब कोई ये डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर एक कॉइन को रखा, कॉइन के रखा तो मास ऐड हुआ. अभी ऐसा नहीं, यहाँ पर छेद किया है. सही है, क्या रहेगा ध्यान में? हाँ या ना? यस सर. ओके, सो क्या आज के दिन यहाँ पर रुके? सर एकदम पूर्ण स्लाइड्स आपको. स्लाइड्स आपको